तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। फार्मिंग लाइफ इन अदर वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 12 में आपका स्वागत है। मैं आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। ये आप कर लेंगे मुझे पता है, तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे बताता है हिराक, सन लगने की वजह से वेजिटेबल ही बहुत ज़्यादा कलरफुल पैदा हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा ही ब्राइट कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने सन बाथ लिया है। फिर यहाँ पे हिराकू कहता है कि चलो लंच टाइम हो गया तो सब लंच कर लो। तो लड़कियाँ चली जाती हैं लंच करने के लिए, बट हिराकू यहीं पे खड़ा हो जाता है, पौधे को देखता है। अभी हम देखते हैं कि पीछे से आवाज आती है डार्लिंग, और डार्लिंग कह के जो है लू बुलाती है उसको। यहाँ पे लू जो है छतरी के साथ आ चुकी है और जो हिराकू को कहती है कि बहुत ज्यादा टाइम काम कर लिया, तुमने ब्रेक भी लेना चाहिए, जल्दी आ जाओ। यहाँ साइड में दूसरी लड़कियाँ बैठ के खाना खा रही होती है, हिराकू भी यहीं आ जाता है, वो भी खाना स्टार्ट कर देता है। लू कहती है कि तुम्हें ब्रेक भी लेना चाहिए काम करते वक्त। हिराकू कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हारे हाथों से चाय पी ली है तो अब मैं ठीक। फिर वो कहता है कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और काम है कि तुम्हें वॉक करते रहना चाहिए। फिर लू कहती है कि हाँ, मुझे लड़कियों ने भी कहा था कि मुझे एक्सरसाइज करती रहनी चाहिए क्योंकि रिप्रोडक्शन करते वक्त ये जो है हेल्प करती हैं, क्योंकि बॉडी को स्ट्रांग रखना जरूरी है। फिर यहाँ हिराकू कहता है कि हाँ, मुझे रिप्रोडक्शन के बारे में तो कुछ पता नहीं है, इसके बारे में तो मैं तुम्हें ज्यादा बता नहीं सकता हूँ। फिर यहाँ वो लू को देखता है और सोचता है कि किसका पेट जो है बहुत बड़ा हो चुका है, बड़ा अजीब लग रहा है देखने में। लू वहाँ से रूम के अंदर आ जाती है तो लड़कियाँ पूछती हैं कि तुम्हारा पेट तो बहुत ज्यादा हैवी लग रहा है। तो लू कहती है कि हाँ, ये दो कैबेज की तरह ही लग रहा है। फिर यहाँ टैया बोलती है कि दो कैबेज, इसका मतलब तो ये बहुत ज्यादा ही भारी हो गया होगा। फिर हेल्प्स बोलती है कि मुझे जेलस फील हो रहा है और अच्छा भी फील हो रहा है। तो फिर सीना यहाँ भगवान से प्रे करती है कि कोई भी लड़का या लड़की हो, सबको अच्छे से निकाल देना। यहाँ फ्लोरन टुलू से कहती है कि अगर तुम्हें और कंफर्ट चाहिए और तुम्हें कोई और चीज जो कंफर्ट कर रही हो तो प्लीज मुझे बता देना। फिर लू यहाँ कहती है कि मुझे तुम सबकी बातों को सुनकर बहुत अच्छा लगा, बट एक ही चीज है जो मुझे परेशान कर रही है, ये है कि मैं अभी और ज्यादा ड्रिंक नहीं कर सकती। और ये सुनकर लड़कियाँ कहती हैं अच्छा, ये बात है क्या। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैबुटोन बहुत जल्दी जल्दी कपड़े बना रहा होता है और ग्रांस जो है वहाँ पहुँच जाती हैं एक रिक्वेस्ट लेकर हिराकू के पास। वो हिराकू को कहती हैं कि आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो भी विलेज में अल्कोहल है उन सबको सेल कर दीजिए। यहाँ हिराकू कहता है कि मुझे पता है कि ये सब तुम लोग लू के लिए कर रही हो। फिर वो बताती हैं कि हाँ, हम सब ने लड़कियों ने बैठकर ये सोचा था कि हम जो है ड्रिंक को जो है छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं हमें उसकी याद आती है, तो हमने सोचा कि हमने वो सोर्स को हटा देना चाहिए, क्योंकि ना तो सोर्स रहेगा और ना हमारे दिमाग में वो बात आएगी अल्कोहल पीने की, इसलिए हम चाहते हैं कि आप प्लीज इस सोर्स को हटा दीजिए। फिर हिराकू कहता है कि मैं तुम सबकी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा ही खुश हूँ, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता, अल्कोहल को हटा दूंगा तो तुम बहुत ज्यादा पछताओगी। कि तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि अल्कोहल जो है बहुत दिनों बाद ही बन के तैयार होता है और हम उसको जितना टाइम रखते हैं उतना ज्यादा ही अच्छा बन जाता है। हम यहाँ नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डावन का जो ग्रुप होता है वो बाहर बैठा होता है, वो कहता है कि हमें मेयर को बताना पड़ेगा इसके बारे में। तो हिराकू कहता है कि क्या हुआ तुम सबको। फिर यहाँ डोवन बताता है कि आजकल कोई भी एक सिंगल ड्रॉप ऑफ अल्कोहल नहीं पी रहा है, पता नहीं क्या हो गया, लगता है मुझे बंद करना पड़ेगा अल्कोहल को बनाना। फिर हिराकू कहता है कि मुझे माफ करना क्योंकि मैंने तुम्हें लू के बारे में बताया नहीं था, मुझे लगता है कि अगर तुम ड्रिंक नहीं बनाओगे तो तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, इसलिए ड्रिंक बनाना शुरू करो। यहाँ डावन कहता है कि हाँ, हम ऐसा ड्रिंक बनाएंगे जो किसी की एक्सपेक्टेशन में नहीं होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रिंक बनाएंगे हम। ऐसे ही देखते हैं कि हम यहाँ पे जो है दोपहर हो जाती है और यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो वेजिटेबल को पानी में रखा जाता है। सीन में हम देखते हैं यहाँ लिजार्ड और डॉग्स भी पानी में नहा रहे होते हैं, गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। फिर हम देखते हैं एक रूम, रूम के अंदर एंटर होता है हिराकू। फिर वो यहाँ लू से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो लू कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर बहुत ज्यादा धूप हो रही थी इसीलिए मैं अंदर आ गई, इससे बच्चा जो होगा उसको प्रॉब्लम नहीं होगी और मुझे भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इस तरह से देखो तुम। हाँ, जो मेरी बेली है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, पता नहीं मैं कैसे बच्चे को बाहर निकाल पाऊंगी। फिर हिराकू का ध्यान एक फ्लावर पर चला जाता है तो लू बताती है कि ये जो फूल है वो टिया ने और एंजल ने दिया है क्योंकि वो एक माउंटेन से उसको लेकर आई हैं। तुम यकीन नहीं करोगे क्योंकि ये जो है एक कोल्ड एयर को छोड़ती है। तभी एक माउंटेन हर्बल से इस रूम के अंदर एंटर होती है और वो कहती है कि ये एक माउंटेन मेडिसिन लेके आई हूँ मैं आपके लिए। लू उस मेडिसिन को ले लेती है और कहती है कि ये बहुत ज्यादा ही वैल्यूएबल होगा, तो वो माउंटेन हर्बल बताती है कि हाँ, इसको राइट टाइम पे यूज करना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक लेस्टी जो है यहाँ पे जैम लेके आई होती है, वो कहती है कि तुम्हारी मैजिक को ये बहुत जल्दी ही रिकवर कर देगा, मैं अपने फादर के ट्रेजर से उसको चुरा के लाई हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पे मेड आई होती है, वो कहती है कि मैंने बहुत ही हार्ड वर्क से आपके लिए ये बनाया है पुडिंग। वो पुडिंग खा ही रही होती है तभी एक और हेवल्स आ जाती है और कहती है कि मैं आपके लिए एक गुड लक लेके आई हूँ। गुड लक सर पे लगाती है, तभी देखते हैं कि यहाँ रुके ना जाती है एप्पल से लेके, वो बोलती है कि क्या आप तुम एप्पल खाओ की। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ फ्लोरा आ जाती है, वो कहती है कि तुम बहुत ज्यादा ही भूखी होगी तो मैंने तुम्हारे लिए एक टोमेटो सूप और टोफू के साथ बना के लेके आई हूँ, तो वो इसे खा लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे डॉग्स जो होते
हैं वो खरगोश मार के लाए होते हैं उसके लिए, और जो जैबूटोन होते हैं उनके बच्चे वो कपड़े बना के लाए होते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे लिजार्ड आया होता है जो बताता है कि मैं तो अंडे से पैदा होता हूँ, तो मैं इसके बारे में आपको कुछ हेल्प नहीं कर सकता, बट तुम मेरा जो है ब्लड पी कर एक बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बन सकती हो। यहाँ पे लू कहती है इसके लिए थैंक यू, बट मैं जो हूँ तुम्हारा ब्लड पी नहीं सकती क्योंकि मेरे दांत इतने मजबूत नहीं है कि तुम्हारी स्किन को चीर सके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ सनसेट हो रहा होता है और लू उसको देखकर बहुत ज्यादा ही खुश हो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ टेबल पे बहुत सारे गिफ्ट है जो विलेजर्स ने दिए हुए होते हैं शाम तक। फिर हिराकू जो है वहाँ बैठा हुआ होता है, उसका ध्यान एक हैमर पे चला जाता है। फिर वो उस हैमर को उठाता है और बोलता है कि ये क्या है, ये तो एक वुडन मेटल का हैमर है। वो लू से कहता है कि तुम्हें यकीन है कि तुम्हें चाइल्ड बर्थ देने के लिए इसे भी यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे लू को बहुत अजीब फील हो रहा होता है, तो यहाँ पे वो बताती है कि मेरे बैली में कुछ हो रहा है, तो वो बोलती है कि ये शायद ये वही चीज हो रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो मेड होती है वो बहुत सारा टावल लेके आती है और जो कहती है कि पानी गर्म भी करके लेके आओ, तो यहाँ पे सीना जो है उसका हाथ पकड़ लेती है लू का। यहाँ हिराकू जो है अलग रूम में जाके बैठा हुआ होता है और वो बहुत ज्यादा ही टेंशन में होता है बच्चे और माँ को लेकर। कहता है कि जब भी टाइम आता है मैं बहुत ज्यादा ही पैनिक हो जाता हूँ, बट मेरे हाथों में अभी कुछ नहीं कर सकता मैं लू के लिए। सब सोचकर उसका और ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है, तो वो बाहर खिड़की के बाहर देखता है उस पेड़ को और उस पेड़ के पास चला जाता है। फिर जब वो मुंह उठा के देखता है तो यहाँ पे दो मून होते हैं और उसको याद आता है कि जब मैं इस गाँव में पहली बार आया था तो उसी प्लेस पे खड़ा था और यही दो मून वहीं पे थे, और इस गाँव में अभी मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। वो कहता है कि मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि उस ब्लर मॉर्निंग से आज तक का टाइम जो है कैसे पास हो गया। वो कहता है कि पिछले वर्ल्ड की कोई भी मेमोरी मुझे याद नहीं है, बट यहाँ पे हर रोज कोई ना कोई चीज हैपन होती रहती है और मेरी मेमोरी जो है बनती रहती है। नेक्स्ट सीन में हिराकू जो है एक रूम के अंदर आ जाता है, वहाँ पे खड़ी हेवल्स बताती है कि सब कुछ सही से हो गया। यहाँ मेड बताती है कि हाँ दोनों सही है। फिर हम देखते हैं कि लू और बच्चा दोनों ही ठीक होते हैं। इसे देखकर जो है हिराकू बहुत ज्यादा चौंक जाता है। लू कहती है कि आइए पकड़िए इसे। यहाँ हिराकू बहुत सहमा हुआ चलता है, उसके पास पहुंचता है और फिर बच्चे को अपने गोद में उठा लेता है। फिर यहाँ हिराकू सोचता है कि जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा हैवी है ये। फिर वो मूव करता है तो बोलता है ये तो मूव कर रहा है, लू से ऐसा बोलता है वो। फिर लू कहती है कि हाँ ये पेट में था तभी भी मूव कर रहा था। पीछे से जो हैवल्स होती है वो कहती है कि हाँ ये क्योंकि मूव कर रहा है क्योंकि इसके पिता ने इसके होल्ड किया है। फिर हिराकू यहाँ सोचता है कि पिछले जन्म में मैं तो बहुत ज्यादा ही इलनेस से बहुत परेशान था और आज मैं यहाँ पे एक फादर बन चुका हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा बेटा उस इलनेस से ना परेशान हो और मैं इसे बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। फिर लू उसे सुनकर कहती है कि क्या तुम अकेले ही इसे स्ट्रॉन्गर बनाओगे, हम दोनों साथ में इसे बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। हिराकू कहता है तुमने सही कहा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं यहाँ पे हिराकू खेत में काम कर रहा होता है और बताता है कि लू के बर्थ के बाद एक हफ्ता हो चुका है, मेरे सन का नाम हमने अल्फर्ड रखा है, ये लू का सजेशन था अल्फर्ड नाम रखना। टेक्निकली देखे तो हमारा सन जो है वो हाफ वेम्पायर है पर दिखने में पूरा इंसानों की तरह लगता है। फिर वो उस पेड़ को देख कर कहता है कि ये वही जगह है जहाँ मैंने शुरुआत की थी। धीरे धीरे बहुत सारे लोग यहाँ पे रहने के लिए आ गए, फिर हमने बहुत सारे क्रॉप बहुत सारे मिलकर लोगों के साथ बनाया, फिर हमने उन लोगों को रहने के लिए बहुत सारी बिल्डिंगें भी बनाई और आज ये गांव जो है बहुत बड़ा बन चुका है, बहुत सारे लोग यहाँ पे साथ में रहते थे। फिर एक दिन आया जिस दिन मुझे इस गांव का मेयर बना दिया गया और आज मैं एक फादर भी बन चुका हूँ। तभी उसका ध्यान प्रेजेंट में आता है और सोचता है पता नहीं मैं किसके बारे में बात कर रहा था, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा ही हार्ड वर्क लोग कर रहे हैं और इस घर को बनाने के लिए उन्होंने जो है लू को बहुत सारे गिफ्ट भी दिए हैं, तो उनके हार्ड वर्क के लिए उन्हें कुछ ना कुछ तो गिफ्ट देना ही पड़ेगा। वो सभी लड़कियों को वहाँ बुला लेता है और बोलता है कि आज मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहता हूँ, मैं एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इस विलेज के अंदर। वो ये सेम गलती दोहराता है जो इंसानों ने बहुत समय पहले दोहराई थी जो वो पैसा लेके इस दुनिया में आए थे, तो वहाँ पे हिराकू भी इस पैसे को इंट्रोड्यूस करता है एज ए मेडल के रूप में। यहाँ फ्लोरा कहती है कि इसका यूज क्या है यहाँ पर, तो वो बताता है कि इससे तुम जो है गुड्स को ट्रेड कर सकते हो। फिर यहाँ टिया कहती है इसका मतलब ये एक मनी की तरह ही है ना। फिर यहाँ हिराकू कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, तुम इन सब मेडल को मेरे पास लाओगी और मैं तुम्हें जो सामान चाहिए वो मैं दे दूंगा। फिर यहाँ फ्लोरन पूछती है कि क्या हम इसे अपने साथ में भी ट्रेड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, तो हिराकू बताता है कि हाँ इस तरह से है ये चीज, अगर मैं तुमसे पूछूं एक एप्पल की कीमत स्ट्रॉबेरी के रूप में कितनी होगी, तो यहाँ पे टिया बताती है कि एक होगी शायद, बट यहाँ पे लास्टियर हरिकेन बताते हैं कि जो
है मनी हमने यूज किया नहीं है, तो आई थिंक एक बैरल होगा। तो यहाँ पे रघु कहता है कि तुम लोग बैरल को काउंट करते हो, फ्लोरन कहती है कि ये तो ड्रैगन है, तो ये यही एक्सपेक्ट करते हैं। फिर यहाँ हिराकू बोलता है कि मैं सब चीज़ों को जो भी यहाँ विलेज में है उन सबको करेंसी के रूप में स्विच कर देता हूँ, और वो सभी गाँव में जाकर सभी विलेजर को एक एक कॉइन दे देता है। यहाँ जेबुटोन के बच्चे बहुत सारे होते हैं और डॉग से भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो इसके लिए उसे बहुत सारे कॉइन बनाना पड़ता है। ये सारे कॉइन वो अपने हाथों से बनाता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग इसे कॉइन का यूज जो है एक वाइन के लिए करते हैं, और कुछ लोग जो है इस कॉइन का यूज करते हैं सोफा लेने के लिए और चेयर लेने के लिए। कुछ लोग यहाँ पे डेकोरेट कर कर ही इसे खुश हो जाते हैं, उसे देखते रहते हैं, और कुछ लोग हैं इसे यूज करते हैं वेपन के लिए और गिफ्टों के लिए। यहाँ डॉग को चाहिए होता है एक डिक्स उनको खेलने के लिए, तो उसके लिए जो है वो आ जाते हैं उसके पास, और इसे जो हिराकू को बनाने में बहुत ज्यादा ही थकावट होती है क्योंकि डॉग्स की लाइन बहुत ही बड़ी होती है। फिर एक दिन हम देखते हैं कि जब लू और हिराकू यहाँ पे बैठे होते हैं अपने बच्चे को देख रहे होते हैं, तभी एक लड़की आती है, कहती है कि इस कॉइन को लेकर इस बच्चे को दे दो। फिर यहाँ पे हिराकू छोटी बच्ची को समझाता है कि हम इसे ऐसे यूज नहीं कर सकते। फिर वो छोटी बच्ची जो है उस मेयर को ही एक दिन के लिए खरीद लेती है खेलने के लिए। फिर हम रात में देखते हैं कि मेयर यहाँ पे पार्टी रखते हैं और सभी लोग यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और बताते हैं कि मेरे बर्थ जो है सन के उसके लिए मैंने ये पार्टी रखी है। यहाँ पे सब चीयर्स करते हैं। फिर हिराकू कहता है कि हाँ ऐसे ही करना है। फिर देखते हैं कि उसका ध्यान एक हथौड़े पे जाता है, तो वो पूछता है ये किसने दिया। मुझे माफ करना क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ही लेट हो गया, ये जो है वाइन स्पेशल है जो मैं आप दोनों के लिए बना के लेके आया, और आप दोनों को इस हथौड़े से इसे तोड़ना है इस बैरल को। फिर यहाँ पे हम देखते हैं लू और हिराकू इस बैरल को तोड़ देते हैं। यहाँ पे सभी जो कहते हैं कि कंग्रेचुलेशन मेयर, और सभी जो है यहाँ पीना स्टार्ट कर देते हैं। तो डाउमन पूछता है लू से कि कैसा वाइन लगा आपको। लू बताती है कि सॉरी मुझे माफ करना, मैं अभी वाइन पी नहीं सकती क्योंकि मुझे ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, क्योंकि जो बेबी बड़ा होगा तब तक मैं पी नहीं पाऊंगी। फिर यहाँ डाउमन कहता है कि अच्छा तो ये स्पेशल वाइन को मैं एक बोतल के अंदर रख देता हूँ, जब एल्फर्ड बड़ा होगा जब तक वो पिएगा। इसे सुनकर जो है जो हिराकू होता है बहुत खुश होता है कि मैं कब पता नहीं अपने बेटे के साथ ड्रिंक कर पाऊंगा। तो लू कहती है कि तुम एक दिन जरूर कर पाओगे। नेक्स्ट सीन में देखते हैं डायमंड किंगडम को। फिर यहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं कि वहाँ पे बेबी पैदा हो चुका है, अब तो उन्हें हराना इम्पॉसिबल सा हो चुका है। वहाँ पे एक बैठा बंदा बोलता है कि हमें उन्हें रिश्ता जोड़ना पड़ेगा, हमें जो है वहाँ पे किसी से शादी करनी पड़ेगी। डीजल जो होता है वो भी एक जो है ग्रीटिंग कार्ड बनाता है, वो कहता है कि मुझे उस गांव से बहुत लंबे समय तक रिश्ता रखना है। नेक्स्ट सीन में हम जो है गांव के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पे हिराकू सब हेवल्स को देख रहा होता है। तो यहाँ टिया बोलती है कि लगता है तुम्हें हैंग ओवर हो गया है। फिर यहाँ हिराकू कहता है कि नहीं मैं अब ठीक हूँ। फिर वो कहती है टिया की ठीक है तो तुम ठीक हो तो मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। जो ग्रांस है वो बता रही थी कि वो यहाँ पे बहुत सारे बंदे लेकर आएगी। फिर वो घर के अंदर आ जाते हैं मीटिंग करने के लिए, तो वो बताते हैं कि बहुत सारे अलग अलग जंगलों से बंदे इस विलेज के अंदर रहना चाहते हैं। ड्राइनेन बैन भी यही कह रहा था, और मेरे जो पिता हैं वो भी यही कह रहे थे। यहाँ पे हिराकू पूछता है लगभग कितने बंदे होंगे, तुम्हें क्या लगता है। तो टिया बोलती है कि 3 डिजिट में होंगे। तो वो सोचता है कि ये तो बहुत सारे बंदे हैं, इसके लिए हमें एक नया गांव बनाना पड़ेगा। कहती है कि हम अपना बेस्ट देंगे, आप स्टार्ट कीजिए गांव को बनाना। तो वो कहता है ब्रुको रुको बहुत ज्यादा ही काम करना पड़ेगा। यहीं पे एपिसोड नंबर 12 खत्म होता है, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।